गुजरात चुनाव 2017 यूके में नौकरी छोड़कर मोदी की सीट पर लड़ने पहुंची ये महिला। आपको बता दें कि गुजरात में रुझानों के हिसाब से बहुमत हासिल कर चुकी बीजेपी ने मणिनगर सीट पर कांग्रेस की श्वेता को 75,000 वोटों के अंतर से हराया। दरअसल 35 साल श्वेता ब्रह्मपुत्र चुनाव लड़ने के लिए यूके से भारत लौटी थी और इसके चलते ही वो चर्चा में आई। 2012 में ठुकरा दिया था पॉलिटिक्स में शामिल होने का ऑफर। कांग्रेस की प्रत्याशी श्वेता ब्रह्मपुत्र ने यूके के वेस्टमिंस्टर में बिजनेस स्कूल से इंटरनेशनल फाइनेंस में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। इसके साथ ही उन्होंने IIM बेंगलुरु से पॉलिटिकल लीड रिशिप एंड गवर्नेंस में डिप्लोमा भी किया है। श्वेता ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें 2012 में राजनीति में शामिल होने का ऑफर दिया गया था, लेकिन करियर में आगे बढ़ने के कारण उस वक्त उन्होंने ऑफर ठुकरा दिया था। कांग्रेस के लिए बहाया पसीना। श्वेता के लिए मणिनगर जैसी हाई प्रोफाइल सीट पर लड़ना आसान नहीं था। विदेश में ऑफिस में बैठकर नौकरी करने वाली श्वेता ने कांग्रेस के लिए इस चुनाव में काफी पसीना बहाया। कैंपेन के दौरान उन्होंने कई बार खुद जीप ड्राइव की, साथ ही चुनावी कैंपेन के दौरान वो कई बार महिला ऑटो चालक के साथ फ्रंट सीट पर बैठकर प्रचार करती भी।